नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હેન્ડવેર કંપનીમાંથી નળ રિપેરિંગ કરવા માટે આવેલા બે શખ્સો દ્વારા એક મહિલાની ધક્કો મારવામાં આવ્યો અને ઝાપટ મારવામાં આવી હતી. આ જે મહિલા છે તેના દ્વારા માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. બંને શખ્સોના વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. માંજલપુર પોલીસે હાલ આ જે બંને શખ્સો છે કે જેમના દ્વારા તેમને ધક્કો મારી ઝાપટ મારવામાં આવી હતી, આ બંને શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. માંજલપુર પોલીસ દ્વારા તેમના વિરુદ્ધમાં ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. जी, मेरा नाम पिंकी जसवंत वर्मा है. मैं समन्वय सप्तर्षि में रहती हूँ. मेरे हिंडवेयर के नल्स है जो कंपनी से वारंटी में है, तो वो ख़राब हो गए थे, तो कंपनी में हमने कंप्लेन लॉन्च किया था. तो दो जन आए थे, आकिब शेख और अनस करके. तो दोनों पहले आए तो उनका आते के साथ ही बर्ताव अच्छा नहीं था, और फिर मैंने उनको जब काम बताने गई अंदर तो उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, और उसने मेरे को धमकी दिया कि मेरे हाथ में औजार है, तो ये औजार चुप रहो नहीं तो देख लेना. फिर तो मैं बोली, ऐसे आप बात कर रहे हो, मेरे घर पे बच्चे भी थे. तो मैंने बोला, प्लीज़ आप चले जाओ, मैं अकेले रहती हूँ, बच्चे ही थे. बोली, प्लीज़ आप चले जाओ, हमको कोई काम नहीं करवाना है. तो जाते जाते जब दरवाजे पे आया तो उसने एक हाथ से पुश किया, मेरे को धक्का मारा, गला दबाया, और दूसरे हाथ से दो तीन थप्पड़ बहुत ज़ोर से उसने मारा. तो ये यहाँ पर ये सब सूझ गया, ये यहाँ पर पूरा बहुत लग गया था. और फिर बाद में और भी धमकी दे रहा था कि हम तुम्हारा हिंडवेयर में, हिंडवेयर कंपनी है उधर से ही तुमको ब्लॉक कर देंगे, पूरे अहमदाबाद में मैं मैनेजर से कंप्लेन कर दूंगा. तो ये हिंडवेयर का पूरा जो भी था, ये हिंडवेयर वाले ही थे, ये टेक्नीशियंस. तो उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया आपके साथ? पता नहीं वो लोग क्यों ऐसे, शुरू से ही वो ऐसे ही गुस्से में बातें कर रहा था. बोले, आपको फ्री सर्विस चाहिए तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. बोले, आप शांति से बात करो, नहीं तो आप कुछ भी मत करो, हमको कुछ नहीं करवाना, आप प्लीज़ चले जाओ. एक महिला होने के बाद फिर आपने क्या किया? मेरे को मारा तो पहले, लाइक मैं घर पे थी, अकेले थी, बच्चे भी रोने लग गए थे, और मेरे में इतना हिम्मत नहीं. तो पर मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया तुरंत, तो उसने यहाँ से पुलिस को फ़ोन किया, और पुलिस वाले आए, उन्होंने हेल्प किया, वो लोग यहाँ पर लेकर आए, और अभी अर्जी वो किया है. जिस समय ये बना वो दोनों आरोपी आपके घर में ही मौजूद थे जब पुलिस आई? नहीं, वो लोग बाहर खड़े थे, बाहर निकल गए थे. वो भागने की, एक तो जिसने मारा मारी किया वो भागने की कोशिश ही कर रहा था, तो उसको मैंने ऐसे पकड़ के रखा था, पर वो छुड़ा कर निकल गया, और बाद में खुद कुछ फ़ोन कॉल्स और वो सब करने लग गया. अभी आप कहाँ पे खड़े हैं? अभी मैं ये मांजलपुर पुलिस स्टेशन पे हूँ. और आपकी अभी क्या मांग? मेरे को यही है कि जो भी है इनको, इट इज़ अ हरेसमेंट, पूरा हैरेसमेंट ही है ये. किसी को आप अकेली लेडीज़ के साथ पहली बार बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, काम नहीं करना है मत करो, बट ऐसे बदतमीजी से मारना, बात करना और मारना, वो तो बहुत गलत है. तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए बराबर से. जो आपके साथ बना तो उसमें कुछ कितने लोग थे? ये दो ही जन थे. और दोनों को पुलिस लेके आई है? हाँ, दोनों को पुलिस लेकर आई है. अभी जब यहाँ पे आप आए, पुलिस अर्जी ले रही थी आपके, तो उसमें कुछ नाटक कर रही थी? शुरू में ले लिया उन्होंने, हमको बोला कि क्या हुआ, पूछा उन्होंने, और फिर ले लिया, अर्जी रिटर्न में लिखवा कर ले लिया है. आपको ऐसा कुछ लगा कि आपका एक महिला बोलते ही आपकी अर्जी ले लिया, क्या आपको बिठाया कुछ, आप देखेंगे क्या हुआ है? हाँ, उन्होंने एकदम अच्छे से ट्रीट किया, ऐसे कुछ मिस भी है और ऐसा.